हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि एक सोलेनोइड की एक्सिस के ऊपर उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इस सोलेनोइड में अपन को दे रखी है उसकी लेंथ, लेंथ उसकी एल है, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, इसके वर्टिकल एंगल्स भी अपन को अल्फा और बीटा दे रखे हैं। सो इसकी एक्सिस के ऊपर अपन को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सो टू स्टार्ट ऑन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस दूर जाके अपन एक डी एक्स थिकनेस की रिंग कंसिडर कर लेंगे, और वो जो रिंग है वो वर्टिकल एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है पॉइंट ओ के ऊपर। तो सबसे पहले एक टर्म अपन चेक करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की, लेट्स इसको अपन एन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने एलिमेंटल रिंग मानी थी उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगी वो डी एन हो जाएगी भाई, क्योंकि भाई छोटी सी रिंग मानी है ना अपन ने, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, बोले एन डी एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से अपन को पता थी कि जो रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो म्यू इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नंबर ऑफ टर्न्स म्यू एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पार थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हो गई। अच्छा, यहाँ इस फिगर से अपन क्या चेक कर सकते हैं कि भाई जो टेन थीटा होगा वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो टेन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा कि टेन थीटा हो गया है यहाँ से, देख लो एक बार, एक्स बाई आर हो रहा है मेरे हिसाब से, तो एक्स बाई आर यहाँ से टेन थीटा भी निकाल लिया। सो जो एलिमेंटल रिंग अपन ने मानी थी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेट्स से उसको डी बी अपन बोल देते हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पार थ्री बाई टू। भाई रेडियस तो इस जो एलिमेंटल रिंग अपन ने मानी है उसकी भी आ रही होगी ना, जो सोलेनोइड की होगी वही रेडियस उसकी होगी। अब अपन को पूरे सोलेनोइड के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अननोन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो अननोन है, एक तो एक्स ही अननोन है भाई, यहाँ पे एक्स ही अननोन है ना। सो अपन थीटा के टर्म्स में अगर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा आर टेन थीटा, आर टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अपन एक चीज़ को बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करें अगर अपन, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, डी एन जो दे रहा था वो क्या था, डी एन एन डी एक्स था, डी एन यहाँ से निकाला ना अपन ने, डी एन कितना आया था, एन डी एक्स अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पार थ्री बाई टू, ठीक है। तो अपन को यहाँ से डी एक्स निकालना है, x तो अपन को पता है, तो dx के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट मार देंगे। सो dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा r tan थीटा का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये अपन ने निकाल लिया dx, ठीक है। तो x भी अपन को पता चल गया, अपन को dx भी पता चल गया, दोनों को उठा के इस वैल्यू में पटक देते हैं इस इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू डी एक्स, क्या था डी एक्स था आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन आ रहा है ना, और अपन लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, लिमिट अपन डालेंगे माइनस अल्फा से बीटा तक, क्योंकि थीटा इस तरफ वाला एंगल था, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसकी जो लिमिट्स होगी वो किधर से किधर होगी, वो होगी माइनस अल्फा से बीटा की तरफ। तो अपन लिमिट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस अल्फा से बीटा, तो क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन था ना भाई, इस बार थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन था, तो इसलिए अपन ने लिमिट्स माइनस अल्फा से बीटा पट की। सो अब अपन यहाँ से इसको कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे, तो वो कांस्टेंट चीज़ें आ जाएंगी, आप सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू आर अपॉन टू टाइम्स आर क्यूब, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर क्यूब बन के बाहर निकलेगा। सो ये पूरा कचरा अपन ने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से बीटा बचेगा, विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा। सो अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान, पहले इसको अपन फाइनली सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन टू, और इसका इंटीग्रेशन ये तो कॉस थीटा बन जाएगा भाई, कॉस थीटा बन जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा साइड कट कट कटा के कॉस थीटा बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, उसको अपन वैल्यूज पुट करने के बाद क्या बोल सकते हैं कि वो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से
फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हो गई। तो ये तो एक फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से हो गई। अगर अपन बोलेंगे कि एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मेरे को तो मैग्नेटिक फील्ड पूछनी है, मेरे को तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से बता दो मैग्नेटिक फील्ड, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए अपन क्या करेंगे ना कि भाई जो अल्फा और बीटा होंगे वो दोनों को अपन पाई बाई टू पटक देंगे। तो इस फॉर्मूले में अपन पाई बाई टू पटक के तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके एक्सिस के ऊपर वो हो जाएगी म्यू एन। अच्छा एन ध्यान देना, एन ही ये स्मॉल एन, स्मॉल एन किसके क्या था, स्मॉल एन था एन बाय एल के बराबर था। ठीक है, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एक फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ऐसे ही सेमी इनफाइनाइट के लिए भी अपन बोल सकते हो, उसमें अल्फा या बीटा में से कोई एक जीरो होगा और कोई एक पाई बाई टू होगा, तो इन सेमी इनफाइनाइट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो म्यू एन आई बाई टू हो जाएगी। ठीक है,